ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हज और उमरा पर जाने वाले हाजियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम का आयोजन अल अकीब ट्रेवल की तरफ से नियाज अहमद नकवा, आशिक गर्दी, गुलाम सरफरे इकबाल, शेख हामिद बेग ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुफ्ती रफीक पुरकर, आमदार जितेंद्र आवाट और मुमरा प्रभाग समिति की सभापति अश्लीन राउत। इस कार्यक्रम में आमदार और अश्लीन राउत के साथ कई लोगों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था कि हज पर जाने वाले हाजियों को जानकारी मुहैया कराना। कई बार देखा गया है कि हज पर जाने के बाद सही तरह से जानकारी न होने की वजह से हाजियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हज के दौरान जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हज के दौरान की जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी, क्योंकि यहां महिलाओं को भी हज के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी नसीहत दी गई कि हज या उमरा जाने के लिए रजिस्टर एजेंट से ही संपर्क करें। कई बार देखा गया है कि हज और उमरा के नाम पर हाजियों के साथ धोखाधड़ी की खबरें भी सामने आई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान किस तरह से हाजियों को जानकारी दी गई है, हम आपको सुनाते हैं। ये हज के लिए, हज ये इस्लाम का बहुत बड़ा फरीज़ा है, बहुत बड़ा अमल है और इस्लाम का बुनियादी रुकन है। इसके अंदर जो है वो जो लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा कर जाते हैं, अगर वो हज के मसाइल और उससे मुतालिक जो एहतियाती बातें हैं उसको नहीं जानेंगे तो ऐसी सूरत में उनका माल तो इस्तेमाल हो जाएगा और हज जैसा होना चाहिए सही तरीके से वैसे नहीं हो पाएगा। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे जाने वाले हजरात हज की जो इबादत है और जो फरीज़ा है उसको अच्छी तरीके से, जैसे अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करें। उसकी तरतीब भी जो है वो प्रोग्राम के ज़रिए से बनाई जाती हैं और मुफ्तिया इकराम जो है वो इस सिलसिले में कोशिशें करते हैं। देखिए, नियाज भाई ने ये प्रोग्राम अरेंज किए थे। इनका जो टूर है, जहाँ से हाजी जो है अपने हज के लिए यहाँ से रवाना, किस तरीके से हो, हज के दौरान क्या क्या अमल करना चाहिए, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसके बारे में मालूमात देने के लिए नियाज भाई ने ये प्रोग्राम अरेंज किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें इनवाइट किया था। देखिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह जल्द से जल्द हमें भी हज के लिए बुलाए, क्योंकि हज एक ऐसी मुसलमान के लिए वो चीज़ है कि जिसके लिए इंसान हमेशा जो है एक मुसलमान अरमान करते रहता है, एक आरजू रहती है कि हमें काबा जाने का ये नसीब हो। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी और हाजियों से अपील करूंगी कि मेरे लिए भी वो दुआ करें। देखिए, ये कार्यक्रम हुज्जाज इकराम के तरबियती कैंप के लिए था। ये हज ट्रेनिंग कैंप था। ये मैं पिछले लास्ट 28 ईयर से अल अकीब ट्रैवल सर्विस हज उमरा टूर के जानिब से रखता हुआ आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो हाजी हज यात्री के लिए जाते हैं, जो मक्का और मदीना के लिए जाते हैं, वो जाने से पहले हज के अरकान को सीख ले, हज को समझे। और जो उलमाए कराम हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हज में भी सफ़र होते हैं, उनकी रहबरी में सीख को हज करने के लिए जाएं ताकि इनको हज करना आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जो है वो हज तरबियती कैंप में आज हमारे मुमरा कोसा के तमाम समाज सेवक लोग को भी बुलाया था, जिसमें अश्लीन राउत भाभी जो माशाल्लाह आज हमारे मुमरा में इन्होंने जो है वो प्रभाग समिति की चेयरमैन पद भी ली है और इनको ये मिला है, इनाम है। उसके अलावा आवाट साहब, उसके अलावा अनवर नूरी साहब और दिगर मेहमान यहाँ पर आए थे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने माशाल्लाह जितेंद्र आवाट साहब को दो वजह से बुलाया था। एक के हुज्जाज कराम के साथ इनकी मुलाकात हो जाए, इसलिए कि हाजी हज के लिए जाता है तो हर एक को दुआएँ देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा मकसद ये था कि इनके तरफ से आज माशाल्लाह जो है वो एक हज हाउस के जो है वो ताल्लुक़ से बात रखी गई और इन्होंने माशाल्लाह हज हाउस जो है वो मुमरा कोसा में बुनियाद रखने का इंशाल्लाह बात कही है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मुमरा कोसा में ये हज हाउस की बुनियाद हमारे आवाट साहब के हाथों से होगी। और वहीं इस कार्यक्रम के दौरान हाजियों को भी सवाल करने का मौका दिया गया, सवालों के जरिए जानकारी भी दी गई। बड़ी संख्या में यहां लोग मौजूद थे और हज और उमरा के बारे में इन्हें जानकारी दी गई। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।